फसलों का त्यौहार लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को। तो जैसा कि मैंने बताया, फसलों का त्यौहार, तो जाहिर सी बात है पूस के महीने में सारे फसल कट जाते हैं और लोग जो है निश्चिंत होकर सेलिब्रेट करते हैं और घर जो है धान और धन से भर जाता है। तो इस खुशी में पौष के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिनों तक, 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक। कहीं पोंगल मनाया जाता है, तो कहीं लोहड़ी, तो कहीं मकर संक्रांति और उत्तरायण भी। तो समस्त भारत में खुशी का माहौल होता है क्योंकि हमारे यहाँ नई फसल की कटाई हो जाती है। तो त्योहार में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है खाना, मेरे हिसाब से। तो तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें से एक है स्वीट पोंगल, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो साउथ इंडिया की ये खास रेसिपी को शेयर करेंगे आज आप लोगों के साथ। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, ताकि उन्हें भी मौका मिले साउथ इंडिया की ये खास रेसिपी को जानने का और बनाकर खाने का। तो सोच के आ रहे हैं, फटाफट शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है इस खास रेसिपी को। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंगोली किचन में, और ऐसे ही मजेदार रेसिपी को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रंगोली किचन को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके हमारी नई वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो स्वीट पोंगल बनाने के लिए मैंने लिया है चावल आधी कटोरी, तो बासमती चावल लिया है मैंने आधी कटोरी, और मूंग की दाल ली है। तो जितना मैंने चावल लिया है उसका आधा लिया है मूंग की दाल, और बस इन सब को बहुत अच्छे से धो लेना है। तो चलिए धोते हैं। तो लीजिए, धो लिया है मैंने चावल और दाल को। तो बस अब इसे आती है बारीक बनाने की। तो चलिए लेते हैं कुकर और रखते हैं गैस पर। तो ये लीजिए, कुकर गया गैस के ऊपर और गैस को कर देते हैं ऑन, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब घी, और बस मेल्ट होने देते हैं इसको। और मेल्ट हो चुका है तो इसके अंदर धुले हुए चावल और दाल को डालेंगे और बस इसे 2 मिनट भून लेंगे मीडियम आंच पर। तो 2 मिनट भूनना है इसको। तो ये लीजिए, मैंने इसको भून लिया है, और अब इसमें डालना है 1 कप दूध। तो यह फुल क्रीम मिल्क है जो मैंने डाल दिया है, और साथ में 1.5 कप पानी डालना है। तो 1.5 कप पानी और 1 कप दूध डालकर इसे 4 से 5 सीटी आने तक पकाना है। तो चलिए, अच्छे से मिक्स कर दिया है तो इसका ढक्कन करते हैं बंद, और बस 4 से 5 सीटी आने तक पका लेते हैं मीडियम आंच पर। तो सच्ची में बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने किचन में। तो देखिए, बातों ही बातों में 1 सीटी तो लग चुका है, तो 3 से 4 सीटी और लगाएंगे और फिर इसको बंद करेंगे। तो लीजिए, 5 सीटी मैंने लगा दिया है और गैस को बंद कर दिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो मैंने लिया है पैन, गैस को कर देते हैं ऑन, और इसमें डालेंगे 1 कप गुड़, जिसे मैंने चाकू की मदद से काट लिया है, और साथ ही साथ डालेंगे 1 कप पानी। तो 1 कप गुड़ और 1 कप पानी, जिसको पकाना है अच्छे से। तो बस उससे पहले मिक्स करते हैं और मेल्ट होने देते हैं। तो मेल्ट होना चालू हो गया है और उबाल भी आ चुका है अच्छे से। तो बस इसको पकाएंगे 2 मिनट। तो आज की रेसिपी है पोंगल स्पेशल, और पिछली वीडियो डाली हुई है हमने लोहड़ी और मकर संक्रांति स्पेशल गजक की रेसिपी, तो लिंक डाल दूंगी, जाकर ज़रूर देखिएगा। और लीजिए, चाशनी अपना बनकर तैयार है। तो बस गैस को यहाँ पर बंद करेंगे, तो गैस को बंद कर दिया है, और अब खोलेंगे कुकर को, देखते हैं चावल दाल अपना पका है या नहीं। तो बहुत अच्छे से चावल और दाल पक चुका है, तो बस थोड़ा सा कर देंगे मिक्स, और जो हमने गुड़ की चाशनी बनाई है ना, उसको डालेंगे चावल दाल के अंदर। तो लीजिए,
गुड़ की चाशनी भी गया चावल दाल के अंदर, और बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, बहुत अच्छे से गुड़ की चाशनी मिक्स हो चुका है और कंसिस्टेंसी आप देखिए बहुत ही लाजवाब है। तो बस इसको 2 मिनट धीमी आंच पर और पकाएंगे। तब तक चलिए अगले प्रोसेस में चलते हैं, देखते हैं करना क्या है। तो मैंने लिया है एक पैन, गैस को ऑन कर दिया है और इसमें डालेंगे देसी घी। तो 3 से 4 चम्मच के आसपास घी है ये, और बस थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं और फिर डालेंगे इसमें काजू और किशमिश। तो मैंने लिए हैं 8 से 10 काजू और 2 चम्मच लिया है किशमिश, और बस इन सबको धीमी आंच पर भूनेंगे। थोड़ा सा अच्छे से सिक जाना है इसको। तो लीजिए, काजू भी अच्छे से सिक चुका है और किशमिश काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। तो बस यहाँ पर गैस को करेंगे बंद और चलिए डालते हैं स्वीट पोंगल के अंदर इस ड्राई फ्रूट्स को। तो बस घी के साथ ड्राई फ्रूट्स गया पोंगल के अंदर, और अब डालेंगे इसमें इलायची पाउडर। तो 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और 2 चुटकी नमक। नमक बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इसको। तो बस इन सब चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मिक्स, और ये रहा इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया। तो बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है इसको, और तैयार है अपना स्वीट पोंगल। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। तो मैंने लिए हैं 2 सुंदर वाले बोल और इसके अंदर डालेंगे पोंगल को। तो बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म इस तरह से सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाकर, और खाने वाले खुश हो जाएंगे जिनको भी खिलाएंगे आप। तो इस तरह से आप भी बनाइए, और थोड़ा सा गार्निश के लिए मैंने काजू और किशमिश बचा लिए थे, तो थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से गार्निश कर दिया है। तो तैयार है अपना स्वीट पोंगल, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट से बनकर तैयार हो जाता है जैसा कि आपने देखा। तो बस सोच क्या रहे, आप भी जाइए किचन में और बना डालिए इस रेसिपी को। नया गुड़ है, नया चावल है, तो बस नई नई फसल आई है, तो बस उसके फ़ायदे उठाइए और बना डालिए इस रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार है। तो कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी हमारी ये रेसिपी, लिखकर ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी मौका मिले इस तरह की मज़ेदार रेसिपी को जानने का और बनाकर खाने का। तो बस सोचिए मत, फटाफट शेयर कीजिए और बस बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।